आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स निकालने हों या फिर मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना हो प्रोटीन का या फिर आपको लेंथ निकालनी हो डीएनए की तो ये सब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे आज ठीक है और हम लोग इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो विल स्टार्ट नाउ देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे सपोज कीजिए आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसका बेसिस है 65,000 बेसिस का सिक्स बेसिस का वो डीएनए मॉलिक्यूल है आपका तो हमें पता है कि एक बेस पेयर जो है वो 650 बेसिस का होता है इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा एक बेस पेयर 650 बेसिस का होता है तो अगर हम नंबर ऑफ बेस पेयर देखें क्योंकि एम में क्या होगा हमारे बेस पेयर तो सिक्स फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्स फिफ्टी इजिक्वल्स टू इजिक्वल्स टू थाउजेंड बेस पेयर तो ये हमारे पास आ गया कि इतने एम मतलब एम आर एन ए में थाउजेंड बेसपेयर होंगे अब हमें एम से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू तो एक अमाइनो एसिड थ्री न्यूक्लियोटाइड्स को रगड़ता है मींस एक कोडोन में थ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो एक अमाइनो एसिड में थ्री न्यूक्लियोटाइड होंगे तो इसका मतलब कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में हो सकते हैं देखिए दोबारा देखिए एक आपके पास डीएनए मोलिक्यूल है जो जिसमें सिक्स फिफ्टी थाउजेंड बेसिस हैं ठीक है ठीके? एक बेसपियर सिक्स फिफ्टी बेसिस को कैरी करता है तो जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कितने बेस पेयर होंगे थाउजेंड पेयर बिकॉज सिक्स फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड इज इक्वल्स टू थाउजेंड पेयर अब हमारे पास एम आर एन ए में थाउजेंड बेसपियर आ गए देन एक अमाइनो एसिड थ्री न्यूक्लोटाइड को

थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री मतलब थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री तो अप्रोक्स हम थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री ले सकते हैं तो थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री इंटू मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड टेन डाल्टन इज इक्वल्स टू दिस मच डाल्टन अगर हम इसे क्लो डाल्टन में देखें तो अप्रोक्स अप्रोक्स थर्टी सिक्स डाल्टन हमें मिल जाएगा वाई बिकॉज वन डाल्टन इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड वन क्लो डाल्टन इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड डाल्टन ओके okay? सो so, प्रोटीन का मोलिकुलर वेट कितना हो गया थर्टी सिक्स डाल्टन जिसमें हमें कितना डीएनए के बेसिस दे रखे थे सिक्स फिफ्टी थाउजेंड बेसिस का उसका प्रोटीन का मोलिकुलर वेट कितना होगा थर्टी सिक्स डाल्टन आई थिंक नाउ यू ऑल पीपल गेट दिस सो विल मूव नेक्स्ट अब सपोज कीजिए हमें उल्टा दे रखा हो जैसे कि प्रोटीन दे रखी है हमें फोर्टी क्लोडाल्टन की इट मीन्स फोर्टी थाउजेंड डाल्टन की हमें प्रोटीन दे रखी है और हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ बेसिस मीन्स लेंथ ऑफ डी पूछा जाए या फिर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी पूछ सकते हैं आपसे क्योंकि हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कुछ क्वेश्चन मैं लाई हूँ आपके लिए हम उनमें देखेंगे तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे फोर्टी थाउजेंड डाल्टन की अगर आपके पास प्रोटीन है ठीक है और हमें पता है एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू वन हंड्रेड डाल्टन वन हंड्रेड टेन डाल्टन का होता है तो कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यू ड्यू, ड्यू आ जाएंगे थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री कैसे आ जाएंगे एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है वन हंड्रेड टेन डाल्टन का और हमें कितनी दे रखी है फोर्टी थाउजेंड डाल्टन दे रखा है तो फोर्टी थाउजेंड डाल्टन डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड टेन अप्रोक्स अप्रोक्स हमें थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री डाल्टन आ जाएगा थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आ जाएंगे एक अमाइनो एसिड वही बात थ्री को कंटेन करता है मी थ्री बेस पेयर तो कितने बेस पेयर आ जाएंगे एम आर एन ए में मल्टीप्लाई कर दे अगर हम थ्री सिक्सटी थ्री का थ्री से तो वन जीरो नाइन जीरो पॉइंट नाइन ओके देन एक बेस पेयर में सिक्स फिफ्टी बेसिस होते हैं तो कितने डी में कितने बेसिस आ जाएंगे दैट मच सेवन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो ओके दैट मच बेसिस हमारे पास आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं अप्रोक्स अप्रोक्स सेवन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो बेसिस हैं मीन्स लेंथ जो है डी की दिस मच है ओके आई थिंक आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी अगर आपको प्रोटीन से डी की लेंथ पूछी हो तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और अगर आपको डीएनए से प्रोटीन का मोलिकुलर वेट पूछा हो तो जो मैंने पहले डिस्कस किया आपको वो फॉलो प्रोसीजर फॉलो करना है अब हम क्वेश्चन देखते हैं हम एक क्वेश्चन देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन था गेट टू में पूछा गया है द कोडिंग सिक्वेंस ऑफ अ जीन एक्स एल आर एटीन हैज दिंगल ओ आर एफ ऑफ सेवन एटी थ्री बेस्पेयर द अप्रोक्सीमेट मॉलिकुलर वेट मोलिकुलर वेट पूछा गया है एक्स एल आर एट प्रोटीन का क्लो डाल्टन में पूछा गया है ओके okay? किस में पूछा गया है क्लो डाल्टन में तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए यहां पर पे बेस पेयर दिया गया है बेसिस नहीं दिए गए तो बेस पेयर दिया दिया गया है तो ये देखिए अगर आपको बेस पेयर दिया गया है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है ठीक है तो मीन्स आपको एम आर एन ए की दिया हुआ है अब आपको प्रोटीन का मोलिकुलर वेट बताना है तो देखिए सेवन एट्टी थ्री आपको बेस पेयर दिए हुए हैं

क्लो डाल्टन का हो सकता है क्लो का कैसे क्योंकि क्लो डाल्टन। ओके। okay? तो हम ही कह सकते हैं टू एट सेवन वन जीरो डाल्टन को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी एट एप्रोक्स तो आंसर था इसका आंसर इन बिटवीन ट्वेंटी एट टू थर्टी वन इट मींस दिस आंसर इज करेक्ट ओके सो विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन सी नेक्स्ट क्वेश्चन

और हमें पता है एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू वन हंड्रेड टेन डाल होता है वन हंड्रेड टेन डाल का तो एट्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड टेन विल गेट सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड सेवनटी टू अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दिस मच और इसमें ऑप्शन हमें ये चार दिए गए हैं और क्लोजेस्ट पूछा जा रहा है तो क्लोजेस्ट इज दिस वन फर्स्ट वन सेवन हंड्रेड क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज वही पड़ रहा है सेवन सेवनटी टू के पास तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन आई थिंक यू ऑल पीपल get the concept i will upload this pdf on the ganvarsha telegram channel if you have any doubt please comment to me if you like my video please like it and subscribe our channel thank you